साहब जी ने इत्थे भी वो बचन किए कि सिरे उपर जम डंड है। गुरु नानक साहब महाराज जदों 6 साल दे सी ना ते महाराज साहब ने घरदियां नाल बोलना छड़ दिता, इत्थों तक कि खाना पीना भी छड़ दिता। माता तृप्ता जी नूं बड़ा फिक्र पै गया। उन्हें कल्याण चंद जी ने गल की भी पुत्र नूं लगता किसी की नज़र लग गई है, ना रात नूं सौंदा है, रात भी मैं देखदी है चौंकड़ा मार के बैठा रहिंदा, जे मैं लम्मे पौनी है फिर उठ के बह जांदा है, कई बारी आपे रोण लग पैंदा है, कई बारी हसन लग पैंदा है, ना कुछ खांदा है। जे मैं इहदे हाणी बच्चियां नूं बुला के लियाउणी उहनां दे नाल भी कोई गल नहीं करदा। कल्याण चंद जी राय बलार दे कोल जांदे है। राय जी पुछदे है मेरे नानक दा की हाल है, ते कल्याण चंद जी दसदे है कि राय जी बड़े औखे है, कुछ दिनों तो नानक ना कुछ खांदा है, ना कुछ पींदा है, ना बोलदा ही है, ना कुछ दसदा ही है, पता नहीं की गल हो गई है, हाणियां दे नाल भी नहीं बोलदा। राय बलार जी कहन लगे काजी सलारदीन एक मेरा मित्र है, वो बड़ा ज्ञान है, उन्हों जे किसी बच्चे नज़र लगी हो तो कुछ अनैतां पढ़ देगा तो वो दिना नज़र उतार देगा, तुसी काजी सलारदीन लैके जाओ। कल्याण चंद जी काजी सलारदीन को गए, उन्होंने जाके दसिया, वह कहिंदा चलो मैं तुहाडे नाल चलदा ही। काजी सलारदीन जी मेहता कल्याण चंद के घर आए, गुरु नानक साहब चिट्टी चादर लैके लम्मे पए से लेटे पए ने, काजी सलारदीन ने चादर उतारी। जो चादर उतारी तो महाराज काजी सलारदीन वाल वेख के तो खिड़ खड़ा के हस पे, जिमें किसी गल तो बंदा हसदा ना बड़ा खिड़ खड़ा के उच्ची सारी, महाराज साहब इस तरह हसे। तो काजी सलारदीन भी बड़ा खुश होया, कहन लगा देखो कल्याण चंद जी मेरे आने दे नाल ही नानक हसन लग पिया, तुसीं कहिंदे कदे हसिया ही नहीं, आ मेरे आउंदे जिहड़ा इहदे ते सया दा पारा सी ना कोई कसर सी वह दूर हो गई है, देखियो हुणे इह उठ के बैठ जाएगा। तो महाराज सच्ची उठ के बैठ गए। कल्याण चंद जी भी हैरान है भी वाकया ही हुण काजी सलारदीन अपना प्रभाव पाउण वास्ते कहन लगा नानक तेनों की दिखाड़ी दिंदा है, की कारण है तू खांदा पींदा नहीं सौंदा नहीं, रात दिन तू इस तरह करदा है, कदी रो पैंदा है कदी हस पैंदा है, ना तू हाणियां ना खेडदा है, तेनों दिखाड़ी की दिंदा है। हुण बाबा काजी दे मन दा भरम कढ़न लगा है, काजी तो यह सोचता सी ना भी मेरे आउण दे नाल कोई सया दूर हो गई है, हुण बाबा उन्हों दसन लगा भी तेरे सिर ते भी कुछ हैगा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह हस के कहिंदे काजी साहब मैं ते बाद विच दसांगा भी मेरे सिर ते की है, जां मैनू की दिखाड़ी दिंदा, पहला मैनू तूं दस भी तेरे सिर ते की है। काजी हस के कहिंदा जी मेरे सिर ते आ टोपी है, होर ते कुछ नहीं। महाराज कहिंदे नहीं सानू कुछ दिखाड़ी दिंदा है। वो कहिंदा जी मेरे सिर ते कुछ भी नहीं टोपी है। बाबा कहिंदा फिर काजी बैठ जा मैं तेनूं दसदा ही, मैं क्यों नहीं हसदा खेडदा, क्यों नहीं खांदा पींदा, मैनू क्यों नहीं कुछ चंगा लगता, ते नाले मेरे सिर ते की है ते तेरे सिर ते की है ते आ दुनिया दे सिर दे उपर की है। जदों वो चीज़ां दिस पैंदियां जिहड़ियां सिर दे उपर खड़ियां ने फिर बंदे नूं दुनियादारी चंगी नहीं लगती। काजी बैठ गया, बाबे ने फिर शब्द पढ़िया, जक अर्ज गुफ्तम पेस तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्त दिल हेच न दानी। कहन लगे काजी सब कुछ समझ लगी, कहिंदा नहीं। महाराज ने फिर अर्थ समझाए, कहिंदे जक अर्ज, जक का अर्थ हुंदा एक, फारसी का शब्द है, जक दा अर्थ है एक, अर्ज दा अर्थ है बेनती। जक अर्ज गुफ्तम, गुफ्त हुंदा आखी ते गुफ्तम हुंदा मैं आखी, जक अर्ज गुफ्तम पेस तो दरगोश कुन करतार, ए परमात्मा मैं एक बेनती कर लगा, मेरी बेनती नूं कन दे के सुन। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, हक्का दा अर्थ हुंदा सच्चा ते कबीर दा अर्थ हुंदा वड्डा। हक्का कबीर करीम तू, करीम दा अर्थ हुंदा बख्शिश करन वाला, कर्म करन वाला, रहमत करन वाला, तरस करन वाला।
हक्का कबीर करीम तू बेऐब तेरे विच कोई विकार नहीं, बेऐब परवदगार सारियां दी पालना करन वाला है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी, आ जिहड़ा दुनिया का मुकाम दिसदा पिया फानी दरसदा फना हो जाण वाला नास हो जाण वाला, जिहड़ी रंग बिरंगी दुनिया लगती है ना ये फना हो जाण वाली नास हो जाण वाली है। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ऐ मेरे दिल इस गल नूं चंगी तरह जान लै। कहन लगे काजी साहब हुण दसीए सिर ते की है। कहन लगा जी दसो, ते पातशाह कहन लगे मम सर मूए अजराइल गिरफ्तै दिल हेच ना दानी। मम सर, मम दा अर्थ हुंदा मेरा, सर दा अर्थ हुंदा सिर, मूए मूए फारसी दे विच आ जिहड़े साडे केस है वाल इन्हां नूं मूए कहिंदे आ। मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते, अजराइल कहिंदे मौत दे फरिश्ते नूं। कहन लगे काजी साहब मेरे सिर ते भी ते तेरे सिर दे उपर भी मौत दा फरिश्ता खड़ा है। उस मौत दे फरिश्ते ने वाला तो घुट के पकड़िया है मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते, पर दिल ये गल समझदा नहीं। जिन्हों समझ पै जाती है वह दुनिया के धंधियां विच नहीं गा खुबदा। जिन्हों पता लग जाए ना भी मौत काल जिहड़ा सिर दे उपर खड़ा है। ये कल्ले गुरु नानक साहब ने नहीं किया, कबीर साहब ने भी किया है। कहिंदे बंदा धंधियां दे विच इन्ना क फसिया पिया है कुछ चेता ही नहीं गा, पर चेता कदों आउंदा है कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड मैं लागे, जदों सिर दे विच आके वजदा है उदों जाग खुलदी है, उदों पता लगदा है भी लै जिंदगी एवें लगा दित्ती है। तो इत्थे सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे सिरे उपर जम डंड है। कहिंदे काजी साहब वह मौत का फरिश्ता सिर ते खड़ा है। काजी नूं भी दिस पिया चरणा ते टह पिया इत्थे।